फर्जी नाम रजिस्टर करने के मामले में पूर्व रिटायर्ड पटवारी को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर्ड पटवारी ने तहसीलदार के द्वारा बिना नामांकन पत्र दिए गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के भूमि के खसरा नंबर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करते हुए विक्रम कंस्ट्रक्शन और अन्य व्यक्तियों के फर्जी नाम पर खसरा नंबर में उनके नाम जोड़ दिए थे। गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के द्वारा खरीदी गई भूमि को बेचने एवं खर्चा नंबर में नामांतरण करने के मामले में गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड की शिकायत पर धारा 420, 467, 468, 471 में पूर्व में ही प्रकरण दर्ज है। जिस मामले में पूर्व में दो आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, वहीं इन आरोपियों से पूछताछ में धोखाधड़ी के मामले में पटवारी की भूमिका की जानकारी भी मिली, जिसके बाद उन्हें भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दो दिन की रिमांड पर उनसे एसटीएफ पूछताछ कर रही है। एसटीएफ ने पटवारी किशोर सोनी को गिरफ्तार किया है। पटवारी कुछ दिन पहले ही विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। ड्यूटी के दौरान मऊ तहसील के ग्राम पांदा स्थित गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के खरसा में फर्जी नाम रजिस्टर करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रम कंस्ट्रक्शन और अन्य दूसरे व्यक्तियों के नाम पर खरसा नंबर में गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड का नाम हटाकर नाम बदलकर उनका नाम अंकित किया गया, जबकि जमीन गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के द्वारा खरीदी गई थी। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किए गए। ये ग्राम पांदा मऊ में गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड के भूमि के संबंध में पूर्व से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से इसकी भूमि पे कोई विक्रय या अन्य किसी इस तरह का स्थानांतरण पे रोक लगी हुई है, तो उसके संबंध में दो अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराध क्रमांक 12/17 और 13/17। इसकी विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त दोनों अपराधों में ही जो प्रश्नांतित भूमि थी, उस भूमि में जो बिना नामांतरण आदेश के ये तहसीलदार जो किशोर सोनी है, इनके द्वारा पटवारी किशोर सोनी द्वारा खसरे में नाम इंदिराज फर्जी तौर पे किया गया, इस अपराध पे इनको गिरफ्तार किया गया, माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया और पूछताछ की जा रही है। इसमें अभी किशोर सोनी को गिरफ्तार किया है। पूर्व में दोनों प्रकरणों में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये आरोपी पांदा में पटवारी नियुक्त थे, अभी हाल में ही सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी पुलिस रिमांड पे हैं। कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।